नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में घंटी को भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम साइज के हिसाब से इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह देखिए हम 14 इंच का निशान बनाएंगे। देखिए आज हम जो ब्लाउज बनाएंगे इसकी चेस्ट साइज 34 इंच है और ये कॉलर गले पर है, तो इसकी चौड़ाई हम लेंगे 7.5 इंच। आर्म होल 7 इंच, यहाँ पर देखिए 1 इंच पर गुलाई देंगे। देखिए इसे कट कर लेंगे। जो हम देखिए यहाँ पर हम डीप गला भी बनाएंगे, तो जो हम गला बनाएंगे उसकी कटिंग हम बुकरम पे करेंगे। तो इस तरह देखिए हमने कट कर लिया है। देखिए शोल्डर को आधा इंच यहाँ आर्मोर की तरफ झुकाना भी है, तो ये हम सिलाई लगाते समय इसे कट कर लेंगे। तो देखिए कलर नेक है, तो जो ऊपर गले की चौड़ाई है उसे हम 3 इंच रखेंगे और हम छोटा सा कट लगा देंगे। तो अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो इस तरह देखिए हम बुकरम को डबल फोल्ड कर लेंगे। 4.5 इंच पर इस तरह निशान बनाएंगे। तो देखिए बुकरम हमें जितना बड़ा गला बनाना है उसी हिसाब से लेना है इसको। इस तरह देखिए इसको सीधा कर देंगे और नीचे की तरफ से देखिए 4.5 इंच का निशान बनाएंगे, क्योंकि गले की गहराई हम 4.5 इंच लेंगे। ऊपर से देखिए हम 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह निशान बनाएंगे और इसे इसकी चौड़ाई देखिए हम 1 इंच लेंगे। तो इस तरह देखिए हमें गले का शेप देना है। अब इसे हम कट कर देंगे। देखिए गले की कटिंग हो गई है। तो इस तरह देखिए हमने गले को कपड़े पर अच्छे से रखते हुए सिलाई लगा दी है बुकरम के ऊपर। सिलाई लगाने के बाद जो ज्यादा कपड़ा है उसे हम कट करेंगे। देखिए इसको हमने पेस्ट नहीं किया है इसलिए सिलाई लगा दी है। देखिए बाहर वाली के साइड से जो कपड़ा ज्यादा है उसे हम इस तरह सिलाई लगा देंगे मोड़ते हुए। तो इस तरह देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको बराबर से मोड़ेंगे और सेंटर का निशान बनाएंगे। हमने सेंटर का निशान बना दिया है। अब हम देखिए ब्लाउज पर भी सेंटर का निशान बनाएंगे। देखिए इसको अच्छे से मिलाते हुए रखना है। तो देखिए यहाँ पर हम 1/2 इंच छोड़ते हुए ही इसे रखेंगे। देखिए सिलाई लग गई है। अब इसे हमें कट करना है। देखिए हमने इसे कट कर दिया है। अब हमें कट लगाना है। अब हम देखिए अंदर की तरफ इसे पलटेंगे। इस तरह देखिए हम पलटते हुए गले पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह देखिए गले पर सिलाई लग गई है। अब हमें देखिए यहाँ पर ऊपर की साइड में, यानी कि जहां पर हम कलर में लगाना है, तो हम डिजाइन बनाएंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए देखिए इस तरह से हमने डोरी बना ली है, ब्लाउज के कपड़े से ही लेना है। 2.5 इंच की हम कट कर लेंगे। इस तरह देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब हमें देखिए लगाना है। इस तरह देखिए हमें लगाना है। हम बराबर दूरी पर निशान बना लेंगे। तो इस तरह देखिए हमें डोरियों को मोड़ते हुए लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच बाहर की तरफ होगी।
तो इस तरह देखिए हमने डोरी को लगा दिया है। तो दूसरी साइड में भी हमें इसी तरह लगाना है। तो इस तरह देखिए हमने दूसरी साइड भी डोरियों को लगा लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमें डोरियाँ लगाना है, तो उसे हम बाद में लगाएंगे। इस तरह देखिए हम ब्लाउज का बॉर्डर लेंगे, पहले हम इसे इस तरह से देखिए लगा लेंगे। तो देखिए हमें लेना है और नीचे गले तक लगाना है। इस तरह देखिए हमने एक साइड में लगा लिया है, दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से लगाना है। हमने दूसरी साइड भी लेस बटर को लगा लिया है। अब हमें नीचे की साइड में लगाना है। तो इस तरह देखिए हमने नीचे की साइड में भी बॉर्डर को लगा लिया है। देखिए यहाँ पर हमें बॉर्डर को लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों के बीच में आधा इंच की दूरी रखेंगे। इस तरह देखिए अच्छे से मिलाते हुए दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। इस तरह देखिए हमने इसको भी लगा दिया है। अब हमें कॉलर लगाना है। तो पहले हम देखिए शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। देखिए इसका फ्रंट पार्ट हमने तैयार कर लिया है। देखिए यहाँ पर हमने आधा इंच झुकाते हुए कट नहीं किया था, तो इस तरह देखिए हम यहाँ पर आधा इंच ज़्यादा लेंगे सिलाई लगाते समय। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से इसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह देखिए हमने शोल्डर ज्वाइंट कर दिया है। अब हम कलर लगाएंगे। तो देखिए कलर हम बॉर्डर का ही लगाएंगे। तो इस तरह देखिए हम तीन इंच से दो पॉइंट कम ही लेंगे और इस तरह निशान बना लेंगे। ये आगे के गले पर दोनों साइड में हमें बराबर दूरी पर बनाना है। यहीं तक देखिए हमें कलर को लगाना है। तो देखिए बॉर्डर को हम बॉर्डर हमारा चौड़ा है, तो इसे हम डबल फोल्ड करके लगाएंगे। तो इस तरह देखिए इसको मोड़ना है और इस तरह रखते हुए लगाना है। इस तरह देखिए हमारा कलर लग गया है। तो इस तरह देखिए आएगा। अब देखिए हम इन डिजाइनों पर डोरियां लगाएंगे। देखिए हम डोरी बना के लेंगे और इस तरह से देखिए लगाना है, दोनों को बराबर कर लेंगे। अब देखिए हम इस तरह यहाँ पर दोनों डोरियों को पकड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर देखिए हमें हाथ से ही सिलाई लगाना है। अब हम देखिए अच्छे से दोनों पर सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने यहाँ पर डिजाइन को बना दिया है। तो इस तरह देखिए हमारा ये डिजाइन बन गया है। तो अगर हमारा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।